कृपया रुद्राक्ष की माला और पुस्तक प्रदान करें माननीय प्रधानमंत्री जी को, और आप सबकी तरफ से तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत जरूर हों। रुद्राक्ष की माला और ये पुस्तक प्रदान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय, धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया अंगवस्त्र पहनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा वैद्यनाथ मंदिर का प्रारूप मॉडल भी प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां अभिनंदन स्वरूप। बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं, कृपया अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय नागरिक विमानन मंत्री महोदय अंगवस्त्र के साथ स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद। और अब मैं माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी से निवेदन करती हूँ, श्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर का महात्म ये पवित्र पुस्तक प्रदान करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। झारखंड राज्य का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम अपनी नैसर्गिक सुंदरता, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान तो रखता ही है, अब देवघर तैयार है विकास की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए। ऐसे में आपके स्वागत हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी को स्वागत संबोधन हेतु। भारत माता की। हम सबों के अभिभावक, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके मन में हमेशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, बच्चों के लिए मैंने दर्द देखा है एक सांसद होने के नाते, एक उनके कार्यकर्ता होने के नाते, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी इस देवघर में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर बाबा बैद्यनाथ का पूजा, 75 साल में कोई प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के तौर पर पूजा करने के लिए नहीं आया। वैसे हम सबों के नेता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी शीर्षस्थ मंच और आए हुए तमाम बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी गुजरात से देवघर का एक अलग कनेक्शन है। 1925 में महात्मा गांधी जी यहां आए थे।